गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन बड़ा सुहाना है, रात को पूरी रात बारिश पड़ी है और ऊपर के सीन्स कुछ बर्फ और कुछ हालात के चलते वी आर चेंजिंग द प्लान्स। तो थोड़ा सा एक बंदे ने डिच कर दिया था, इतना पता लगा पत्नी टॉप नथा टॉप में रात की बारिश बर्फ पड़ी है। सो वी आर गोइंग टू नथा टॉप शिवा कैफे, मेरे फ्रेंड का ही है प्रणव का। तो वहाँ जाके वी विल हैव अ कैंपिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल। दी है अपनी जर्नी टूवर्ड्स नथा टॉप एंड मे बी नॉट, मे बी कहीं और जाए, बट कुछ ना कुछ करना है। और सामान आप देख सकते हैं, मुझे पिछले 6 महीने से इतने लारे लगाए पर वहाँ जाएंगे बट अभी तक गए कहीं नहीं है। सो बड़े दिनों बाद अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा हर हफ्ते या 10 दिन में एक ट्रिप। बरसातों के बाद तो बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे जाम लगा ना अनिवार्य है और फिर से हम इसी जाम में फंस चुके हैं और देखते हैं बाकी जाके निकलने का कोई आसार या कुछ बनता है या नहीं। एस्केप रूट ढूंढ लिया है, सो वहाँ से जाएगा पत्नीटॉप का रास्ता देख रहे हो लाइन, एंड ये रास्ता जा रहा है मतलब जाएगा उसी रास्ते से बट थोड़ा सा इसमें ऑफ रोड है और अल्टरनेटिव रोड है। ये मैंने 2 साल पहले देखा, 2 साल तो तब भी मैं इसी रास्ते से गया था अपने दोस्तों के साथ और शरण वहीं पे था और वहाँ दो दिन फंसा थे हम एक्स्ट्रा। मैं तीन दिन फंसा था, मैं 2 दिन एक्स्ट्रा फंसा था और फिर हम वहाँ पे भी गए थे मानतलाई गए थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो इसके बाद हम यही प्लान करेंगे कि नेक्स्ट कैंपिंग जो हमारी होगी वो सुध महादेव में होगी मानतलाई में। सो अब ये रोड आप चेकआउट करो कितना पे शुरू हो गया हम चलना, और वो आप सामने देख रहे हैं ना वो पुराना रास्ता है, ठीक है ना। मैं इसमें पहले भी इस ये व्लॉग बनाया हुआ है, तो कभी भी आप फंसते हो और आपके पास एक अच्छी एसयूवी है तो आप इस रास्ते से आ सकते हो, बट अगर आपके पास एमयूवी या कुछ ऐसी गाड़ी है तो प्लीज़ ये रास्ता मत ट्राई करो बिकॉज गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बट इस रास्ते की ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि इस रास्ते में आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। कितना अच्छा नंबर भाई यार, क्या दिल्ली बिहार हरियाणा यहाँ पे आप देख लो कहाँ जा रहे हो। 4 नंबर गाड़ी भी है यहाँ पे, पीछे 2 दिल्ली नंबर गाड़ी थी, दो नहीं एक दिल्ली एक बिहार नंबर। वाह ऑब्जर्वेशन ब्रो, बहुत अच्छी है। सो अभी आगे वो है क्या, नहीं वो चेंज हो गया, यानी आगे वो था वाटर क्रॉसिंग थी बट उन्होंने वहाँ पे पुल बना दिया है तो वाटर क्रॉसिंग गई भाड़ में। हम तो आगे जा रहे थे पटनी टॉप को बट द थिंग इज हमें एक वाटरफॉल दिखा है एंड वो वाटरफॉल इतना खूबसूरत है मैं बता नहीं सकता आपको। तो अब उसी को देखने के लिए हम वापस जा रहे हैं। तो वाटरफॉल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, कैसा लगा ये? अच्छा लगा ना, मुझे भी लगा। यहाँ से भी है बट ऑफ है पूरा, नहीं। तो ये जा रहा है गाड़ी लेने क्योंकि इसको दिख गया है रोड और यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग होते हुए ऐसे कम्स अ बीस्ट। और ये व्यू यहाँ से तो निकल रहे हैं बट कुछ प्लान्स हैं, अगर हो पाए तो कल हम इसको पूरा करेंगे, देखते हैं। अभी तो आगे के लिए लेट हो रहे हैं बिकॉज इट्स 2:43 मतलब 3 बज गए हैं, आगे लेट है। मैं दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो बट वो नीचे पूरा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उधमपुर सिटी ही है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ी है
और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है यार। और वो नया वाला हाईवे है, और ये नया वाले हाईवे है, और देख लो यहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा क्योंकि रास्ते ब्लॉक है। मतलब गाड़ी साफ कौन करेगा ये बता दो पहले। वॉशिंग वाला गलत है ना भाई, उसके पैसे बन रहे हैं यार, किसी का काम चला रहा हूँ मैं। आई थिंक शोएब भैया बहुत अच्छे हैं इस चीज में, बिकॉज वो अपनी गाड़ी खुद धोते हैं। कोई नहीं, उसे कैमरे लिए तो लड़का रखा हुआ वॉशिंग वाला, वो रोज आता है उसके घर पे सुबह और सारी गाड़ियां धोता है, महीने का 4-5 हज़ार का लेता है, वो सारी गाड़ियां धो के जाता है। ये हमारे पहाड़ का ट्रैफिक है, ये होना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पता लग जाता है रास्ता सही, हम सही राह पे जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इतने लोग दिखते नहीं है हमें। सो दैट्स व्हाई मौसम हमारे फेवर में है, आई थिंक वी विल हैव अ गुड टाइम। इंस्ट्रक्टर प्रणव बद्रा का फोन आया था, वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ और पटनी टॉप में रास्ता बंद कर दिए। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट दैट विल गेट अ गुड व्यू एंड गुड डिनर एट नाइट। सो मिलते हैं। ब्यूटीफुल सा रोड आप कह सकते हैं, और कितना एक प्लीजेंट सा रोड है यहाँ पे, पेड़ों के बीच में से। मिस्टर बी, इट्स प्लीजेंट, नॉट प्लीजेंट, अंग्रेज। सो अच्छा रोड है, बट अगर इस पे ब्लैक टॉपिंग हुई हो तो आई थिंक रोड तो अच्छा होगा, बट फिर इस रोड पे जाम बहुत हो जाएगा, और जो भी हमें मजा आ रहा है वो नहीं रहेगा। I can show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से आगे हम निकलने लगे हैं। लगता है बर्फ पड़ने वाली है, ओह सॉरी पड़ रही है। सो इट इज़ वेरी अमेजिंग। तो अभी हमारा जो हमें नीचे तक बेस कैंप तक लेके जाएगा वो अंदर गया है, तो जैसे ही वो आता है तो हम प्रस्थान करते हैं अपने कैंप साइट पे। तो मिलते हैं। ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और मौसम के हालात कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं साथ में, तो उसको कंसीडर नहीं करना। क्या गिरा? पानी की बोतल थी। तो हमारे साथ में है पप्पू भैया, पंकू भैया, हाय, और ये हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नीचे तक,
मैं हूं चंपू भैया भाई अभी साहब, और आई थिंक दिस विल बी अमेजिंग ट्रैक। मतलब मैंने और शरण ने मेरी लाइफ का लाइक सेवंथ और एट्थ ट्रैक एक साथ किया था कैलाश कुंड का, उस थर्ड देवी पिंडी थर्ड, तो उसके बाद ये अब फोर्थ ट्रैक है और अब देखते हैं, इट विल बी अमेजिंग। आप ये देख रहे हो भाई, डम करके बड़ा भाई कटू छप गया सीरियसली यार, मतलब इट्स वर्थ टू कमिंग टू पटनीटॉप, क्योंकि मैं लास्ट एक जो पहली बर्फ़ पड़ी थी उसमें तो आया ही आया था, बट इसमें आने से आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ ऐसा करने को मिला, वो भी J&K में। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई। फिर से गिर गया। तू गिरा हुआ है। अभी सुबह की टेंशन हो रही है कि सुबह हमने ये चढ़ना कैसे, अभी तो उतर रहे हैं जैसे तैसे करके, इट्स वेरी इजी टू कम डाउन, बट यहीं से ऊपर जाना है ना तो वो बहुत टफ है, तो ये थोड़ी सी समस्या आएगी सुबह, और सुबह के हालात बहुत बुरे होंगे हमारे लिए। अभी शरण वहाँ पे है एंड यहाँ पे है, और ये ऊपर का व्यू है। होप यू आर लाइकिंग इट। Show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. और यहाँ पंकु भी हमें ना डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस जितना आप अभी चले हो उतना और चलना है, और हमें कम से कम आधा घंटा हो गया चलते हुए, सॉरी गिरते हुए। यार GoPro की पता नहीं सर्दियों में क्या होता है, बैटरी लो हो जाती है, बार बार ड्रेन हो जाती है 2 मिनट में, तो ये आ रहे हैं। कुछ अलग सा ही हो गया क्योंकि ऊपर ना बहुत हैवी स्नोफॉल थी, और यहाँ पे बड़ी हल्की हल्की सी और बड़ा थोड़ी स्नोफॉल है। हाल बेहाल से है यार, एक तो GoPro बड़ा धोखा देता है यार ऐसे इलाकों में ना, बहुत ही ज्यादा। मुझे नहीं पता मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, अगर आपके साथ भी होता है प्लीज मेरे को बताइए, अगर इसका कोई अल्टरनेटिव है वो भी बताइए, बिकॉज मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ इस चीज़ से यार, सीरियसली। रास्ता बहुत ही टफ है एंड बहुत ही स्टीप है। शरण ने अपना बैग मुझे दे दिया, एक्चुअली आधे रास्ते उसने उठाया, आधे रास्ते मैंने, और रास्ते की कंडीशन आप देख ही रहे हो, सिंगल ट्रैक एंड वी आर एंजॉइंग इट अ लॉट। हम पहुंचने वाले हैं मुश्किल वक्त। सो हम अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, अब ये देखना कि हमारा स्वागत कैसे होता है, बिकॉज फ्रॉम लास्ट जब से ये शिवा कैफे खुला है तब से प्रणव और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, अब तो भाइयों वाला रिश्ता है, बट तब से मैं शिवा कैफे नहीं आ पाया चिल्ला में, तो अब देखते हैं कैसे हमारा जी सत्कार या जूतों से स्वागत होता है। सो मिलते हैं, पहुंच गए हैं चिल्ला शिवा कैफे में, जो कि स्काई नहीं, ये स्काई नहीं है। सो ये हमारे दोस्त का कैफे है, ये दोस्त है तो ये इसका कैफे है, और हम यहाँ पे मस्ती मारने आए हैं, तो पहले दोस्त से मिलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो ये वो है जिनसे हम इनकी जगह पे पिछले 4 साल से आने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक पहुंच नहीं पाएंगे, और बड़े सालों बाद हम, कैसा लग रहा है हम आपके यहाँ पे आए हैं? बहुत दुख हो रहा है आप हमारे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बर्फ बर्फ कम हो गया हुआ है, बड़ा ही ज्यादा पानी आ नहीं रहा है, हमने छूना क्या है, छूना बर्फ छूना है, मतलब अब मिलते हैं, इनका प्रॉपर्टी दिखाएंगे बाद में, पहले अपना फ्रेशन अप होके कॉफी शॉफी पी के आपसे। सो यहाँ पे हमें दाल और चावल, राजमा और चावल दिया है, नहीं सॉरी माय बैड। सो ये पेंटिंग बड़ी अच्छी से बनाई हुई है, मैंने करी थी, और ये चलाते हुए पागल लड़की, हाय प्रणव,